नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, ऑलमोस्ट 15,000 वैकेंसी आने वाली है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो पोस्ट खाली हैं वो 5,000 बोला जा रहा है, लेकिन और भी पोस्ट आने हैं तो वो टोटल मिला के 15,000 हो जाएंगे। और ये 15 जून तक चांसेस हैं कि इसके नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और उसके 6-7 दिन बाद आपके फॉर्म जो हैं इसके ऑनलाइन हो जाएं। तो कौन कौन अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, इसमें पूरी एलिजिबिलिटी है हर सब्जेक्ट वाइज कि किसके पास जो भी डिग्रियां हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और देना चाहता हूँ कि टीम परीक्षा प्लस 5 जून को रात्रि 10 बजे आप लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर लेकर आ रही है, एक सरप्राइज लेकर आ रही है। ये ध्यान रखिएगा कि रात्रि 10 बजे हम लोग आपसे लाइव होंगे और आप लोगों के लिए ही टीम एक अच्छा तोहफा लेकर आ रही है, जिसका आपको हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जो भी आपके समस्याएं हैं, पढ़ने लिखने वाली दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो रात्रि 10 बजे मत भूलिएगा आप लोग हमसे लाइव जुड़ने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं टीजीटी के एलिजिबिलिटी पर। पीजीटी की एलिजिबिलिटी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। टीजीटी की एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी बात की है आप लोगों की एज लिमिट क्या है, तो भैया एज लिमिट कुछ भी नहीं है टीजीटी में। कोई भी, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, आपकी एज लिमिट नहीं है। आप मिनिमम 21 साल के हो, ठीक है, कितने साल के, 21 साल के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्या किए हो, आपके पास जो जो अर्हताएं दी गई हैं सब्जेक्ट में वो है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी जैसे बात करते हैं हम लोग कि एज आपकी क्या है, मिनिमम 21 होना चाहिए, अपर एज कुछ भी नहीं है, अपर एज नहीं है। पैटर्न क्या है एग्जाम का, तो पैटर्न ध्यान दो, पैटर्न में 125 क्वेश्चन है। कितने हैं, 125 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, कोई भी जीएस मैथ्स नहीं होगा। आप जिस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किए हैं उसी से रिलेटेड 125 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन जो होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल ये कितने मार्क्स के होंगे, 500 मार्क्स का हो गया। ठीक है, टोटल जो पेपर होगा वो 500 मार्क्स का होगा। ठीक, तो 500 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, 125 क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये आपके कक्षा 9 से 10 के अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए टीजीटी होता है। उसके बाद 11 और 12 के लिए आपके पीजीटी होता है। ठीक है, तो टीजीटी की वैकेंसी ज़्यादा होती है और पीजीटी की थोड़ी कम होती है। टीजीटी में भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसकी वैकेंसी थी, अभी इससे पहले 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 12,000 पोस्ट थे, और इस बार भी ये सुनने में आ रहा है कि 15,000 के अप्रोक्स आएगा। और 12,000 में सबसे ज़्यादा हिंदी वाला, इंग्लिश, होम साइंस, मैथ्स, संस्कृत, ये मेन थे आपके 5 सब्जेक्ट में। सबसे ज्यादा 1,000 से ऊपर या ऑलमोस्ट 1,000 के अप्रोक्स वैकेंसियां थी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से बच्चे किस किस सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। काफी कंफ्यूजन रहता है खासकर हिंदी को लेकर बच्चों में, तो वो कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट में तो जनरल है, जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, देखो बीएड होना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी से बीए किए हो, चाहे जो भी हो, आपके ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट है तो वो तो जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़े हो तभी आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे ग्रेजुएशन उनका हिंदी से है, ठीक है, और वह इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा है, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट 1 साल तक आपके ग्रेजुएशन में रहा है, तब आप अप्लाई कर सकते हो हिंदी से। ठीक है, आपके अगर बीकॉम बीए में हिंदी सब्जेक्ट रहा है और संस्कृत भी रहा है किसी 3 साल में 1 साल में,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या संस्कृत आपके बीए में नहीं रहा हो और हिंदी रहा हो, तब आपके इंटरमीडिएट आपका अगर संस्कृत रहा हो कोई सब्जेक्ट, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना, ठीक है। और बीएड होना जरूरी है, बीएड होना ये है बात जरूरी है। उसके बाद से हम लोग गणित पे आते हैं। मैथ्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें जनरल सी बात है, बीए या बीएससी अगर मैथ्स से हो, ठीक है, बीए भी मैथ्स से होता है, बीएससी भी होता है, अगर मैथ्स से है तो आप बीएड अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी के लिए। गृह विज्ञान, इसकी भी वैकेंसी है, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम महिलाएं जो होती हैं गृह विज्ञान की छात्र होती हैं, तो उससे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, और चांसेस इसका गृह विज्ञान का जो सिलेबस है बहुत छोटा सा है और कम समय में पूरी तैयारी हो जाती है आपकी। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक, अगर आपका स्नातक ग्रेजुएशन इन इन चीजों में है, जैसे गृह विज्ञान में, चाहे गृह अर्थशास्त्र में या गृह कला में, तब आप अप्लाई कर सकते हो किसके उसमें, गृह विज्ञान में। और गृह विज्ञान वाले छात्रों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। उनके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन ही कर रखा है इस डिफाइंड स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल होगे। गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी है आपके पास, अगर ये नहीं है तो ये है तभी भी चलेगा, ये नहीं है ये है, लेडी रिविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा भी है तभी भी आप एलिजिबल होगे। और साथ ही साथ जो ये दिया गया है एक टिप्पणी, उसको ध्यान रखना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि जरूरी है, ठीक है। जैसे यहां डिप्लोमा बोला ना कि लेडी इरविन कॉलेज से डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका यहां पे स्नातक ही बोला है, तो भाई जब ये स्नातक ही है इसी सब्जेक्ट में, तो इसके साथ तो वो चीज बात बराबर होगी ग्रेजुएशन का। लेकिन ये गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी कोई सर्टिफिकेशन है, इनके साथ आपका स्नातक होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना स्नातक के आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है गृह विज्ञान का तो आप एलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं है, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। बीएड होना अनिवार्य नहीं है इसमें। अगला आ जाते हैं उर्दू पे, ठीक है। उर्दू के लिए क्या जरूरी है, उर्दू के लिए आपका बीएड, बीए में आपका उर्दू रहा हो, बीए उर्दू विषय से था, या एलटी या बीटी या बीएड अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा हो, ठीक है। आपका जैसे कहा गया कि बीए उर्दू विषय से तथा उसके साथ ही साथ, या आपका एलटी कोई डिप्लोमा होता है एलटी से डिप्लोमा, या बीटी या बीएड, इन तीनों में से किसी में आपका क्या हो, अन्य समकक्ष या इसके समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा हो, तभी आप क्या करोगे, एलिजिबल होगे, ठीक है। एलटी का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा, या बीटी का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, या बीएड या बीएड के समकक्ष कोई चीज डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल होगे बीएड उर्दू के लिए। बीएड या उसके समकक्ष क्या है, अनिवार्य है। अब बीएड है अनिवार्य है, तो यहां अब ना प्रश्न पूछ लेना, क्या बीटीसी डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। बीटीसी डीएलएड जो होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है, और बीएड जो होता है बैचलर कोर्स होता है, तो यहां आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अंग्रेजी की वैकेंसी ज्यादा होती है, बीए अंग्रेजी साहित्य, ठीक है, सहित प्रशिक्षित हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब इंग्लिश लिटरेचर आपका बीए में है तब आप अप्लाई कर सकते हो, विथ बीएड होना चाहिए, यह ध्यान रखना। अगर लिटरेचर नहीं है तो आप किसी भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने इंग्लिश लैंग्वेज 3 साल तक पढ़ा है, बोला ना त्रिवर्षीय स्नातक, किसी भी 3 ईयर के स्नातक में आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है, तब आप इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास बीएड है तो। अब आ जाते हैं संस्कृत से रिलेटेड, तो संस्कृत वाले बच्चे कौन है जो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण की डिग्री या डिप्लोमा, मतलब आपके बीए में संस्कृत हो, आपका बीए संस्कृत से हुआ हो, उसके साथ आपका एलटी या बीटी या बीएड में कोई एक डिप्लोमा हो, ठीक है, या उससे डिग्री या डिप्लोमा हो या उसके समकक्ष हो, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है तो वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहां से अगर आपने शास्त्री या आचार्य की उपाधि का एलटी या बीटी या उसके समकक्ष कोई भी शिक्षण, आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कहां से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से, अगर आपने कोई आचार्य या शास्त्री का
कोर्स किया है, डिग्री या डिप्लोमा किया है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएड होना अनिवार्य है इसके लिए। अगला है वाणिज्य, कॉमर्स वालों के लिए। भैया कॉमर्स वालों के लिए और कोई दिक्कत नहीं है कि इनके लिए भैया बीकॉम जरूरी है, बीकॉम के साथ बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो टीजीटी के लिए। कृषि वालों के साथ बीएससी अगर आपका एग्रीकल्चर से है तो इनकी भी सीटें अच्छी खासी होती है, और एग्रीकल्चर हर जगह चलता नहीं है तो बच्चे भी कम होते हैं, तो आप लोगों के लिए भैया श्योर एंड सर्टन, थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हो, इसकी कट ऑफ भी कम जाती है तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कट ऑफ ज्यादा जाती है तो भैया एसएसटी वालों की जाती है, और किसकी जाती है, कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश में भी थोड़ी मोड़ी ज्यादा रहती है, बाकी मैथ्स की भी कम रहती है, एग्रीकल्चर की भी कम होती है। यहां आ जाओ, कृषि वाला हो गया। अब हम लोग इसको देख लेते कला से रिलेटेड। कला वाले में क्या है, आर्ट। कुछ लोग सोचते हैं आर्ट और एसएसटी सेम है, हम बोलते हैं ना हम आर्ट साइज से हैं। आर्ट साइज से मतलब ये नहीं कि आर्ट में एसएसटी और एसएसटी वो अलग हो जाता है, वो सोशल साइंस वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, आर्ट्स का मतलब कि आपके कला से संबंधित होना चाहिए, तब जाके आप आर्ट का फॉर्म भर सकते हो। देखो उसके लिए क्या क्या जरूरी है उसको देख लो, आर्ट वालों के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले कि राजकीय कला या शिल्प विद्यालय लखनऊ या आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, वो आपके पास होना चाहिए। कहां से? राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का। या ये नहीं है तो प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा को उत्तीर्ण करना होना चाहिए। मतलब कि इंटरमीडिएट में आपके क्या है, प्राविधिक कला है आपका सब्जेक्ट, तभी भी आप एलिजिबल होगे। अगर ये नहीं है तो, ये सर्टिफिकेट नहीं है राजकीय कला का तो। अच्छा, ये भी नहीं है, आपने उसमें ये कला सब्जेक्ट नहीं लिया इंटरमीडिएट में, तो प्राविधिक कला के साथ अगर हाई स्कूल में कई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, और साथ ही साथ में आपके पास ये भी होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल में आपने कला लिया हो और साथ ही साथ इनमें से निम्नलिखित में से कोई डिप्लोमा हो आपके पास, चाहे सर्टिफिकेट हो, तब आप एलिजिबल होगे। जैसे ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए हो आपका, या कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट का डिप्लोमा हो, ये ना हो तो फिर राजकीय ड्राइंग या हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो, कलकत्ता फाइन ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो, या लाहौर के मेन स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो, या बंबई के इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो, इनमें से मतलब टेंथ के साथ, टेंथ कला के साथ अगर आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है, तभी भी आप कला से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन स्नातक होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, इसमें से कुछ सर्टिफिकेशन है और कुछ ग्रेजुएशन है। जैसे यहाँ बीएल बोला है, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, तो ऑलरेडी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो, स्नातक हो रहे, तो यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो है सर्टिफिकेट है, जैसे यह सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ये बंबई का सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, स्नातक जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपके पास स्नातक है और ट्वेल्थ में इंटरमीडिएट में आपने प्राविधिक कला का सब्जेक्ट लिया है, तभी क्या हो, एप्लीकेबल हो। अब यहां देखो, नोट में इसीलिए लिखा होगा, नोट में यहां लिखा है कि अगर इंटरमीडिएट में, ध्यान देना, अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपने कला, मतलब जो प्राविधिक कला है वो नहीं है, उसका प्रमाण नहीं मिलता है, तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। मतलब आपके पास नहीं है तो उसके लेवल का कोई भी आपका कला से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, चाहे जो भी सर्टिफिकेशन आपसे आपने किया होगा, वो कंसीडर किया जाएगा। उसके कहने का मतलब यह है कि अगर इंटरमीडिएट में आपने नहीं किया है तो। ठीक, उसके बाद से टेंथ, जो टेंथ वाला मैंने बोला था कि हाई स्कूल में अगर आपने प्राविधिक कला नहीं लिया है, तब क्या होगा, तब उसी के लेवल का बोला ना, उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रमाण है कि नहीं, जो उसमें कला था उसी के अकॉर्डिंग मुझे भी आता है, और आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, तो वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन स्नातक होना जरूरी है, साफ साफ लिखा है कि आपको स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। इन सब चीजों के साथ स्नातक होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी नहीं है। ये देखो, बीएड वाला जो अनिवार्य वाला बोला गया था, तो बीएड कला के लिए अनिवार्य नहीं है, समझ गए? तो बीएड कहां कहां अनिवार्य नहीं है, एक तो कला में अनिवार्य नहीं है, और एक गृह विज्ञान वाले जो छात्र हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं है। अब आ जाते हैं शारीरिक शिक्षा में। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की क्या है,
एलिजिबिलिटी। तो शारीरिक शिक्षा वाले जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए क्या चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता हो, मतलब माध्यमिक शिक्षा के द्वारा इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता हो, जैसे इंटरमीडिएट में होता है ना फिजिकल एजुकेशन, तो वो सब चीजें हो या उससे समकक्ष कोई चीज हो तब आप माने जाओगे। एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पदत सीपीएड प्रमाण पत्र हो आपके पास, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन है तो भी आप क्या हो जाओगे, कंसीडर किए जाओगे किसमें, शारीरिक शिक्षा वाले में, ठीक है, अथवा उसके समकक्ष बोला गया है। यहां बोला भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि जरूरी है, आपके पास स्नातक होना चाहिए और फिजिकल एजुकेशन जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको बोला जाता है सीपीएड, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, वो आपके पास है। देखो यहां पे बीएड नहीं अनिवार्य मांगा है, यहां पे सीपीएड या उसके समकक्ष, ठीक है, सीपीएड का प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए तो आप शारीरिक शिक्षा से फिजिकल एजुकेशन से टीजीटी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, बीएड अनिवार्य नहीं है इसमें। अगला आ जाओ सिलाई के लिए, इसके तो बच्चे बहुत कम ही मिलते हैं, खासकर महिलाएं मिलेंगी। अब सिलाई वाले में कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसको देखो, देखो पहला बोला है कि इंटरमीडिएट में सीटी सिलाई सहित अथवा सीटी में सिलाई विशेष योग्यता हो तब आप कंसीडर किए जाओगे, या हाई स्कूल तथा हाई स्कूल के साथ प्रेम विश्वविद्यालय वृंदावन से आपने डिप्लोमा किया हो, आर्य समाज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने क्या डिप्लोमा किया हो, या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 वर्ष का पाठ्यक्रम के पश्चात दिए जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा हो, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, तो अभी भी आपको सिलाई से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। बस आपके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हो कम से कम, ठीक है। ये बोला इसके अंतर योग्यताओं रखने वाले अध्यापक की स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधित प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि आपको स्नातक तो जरूरी है, स्नातक के साथ साथ आपके पास अगर ये सर्टिफिकेशंस हैं चाहे डिप्लोमा है तो आप इसे भर सकते हो सिलाई वाला, और सिलाई में भी बीएड होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं अगर आपको ये सब डिप्लोमा है आपके पास। तो विज्ञान में आ जाते हैं, विज्ञान में जो होता है दो आपकी होती हैं वैकेंसियां, एक तो जो विज्ञान होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर होता है, ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। तो अगर आपने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो, बीएड होना जरूरी है, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से कर सकते हो। और एक होता है आपका जीव विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है, एक क्या होता है जीव विज्ञान से, तो अभी मैं बताऊंगा जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी वाले स्टूडेंट होते हैं। संगीत ज्ञान, संगीत वाले जो टीजीटी के हैं छात्र उनके लिए क्या जरूरी है वो देख लो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा हो उनके पास। बोला कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष, हाई स्कूल के समकक्ष कोई परीक्षा के साथ अगर आपने इनमें से कुछ भी किया है तो आप संगीत के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो आप एलिजिबल होंगे, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तब आप एलिजिबल होगे, मतलब या तो ये या गंधर्व महाविद्यालय बंबई से आपने किया है तभी भी आप एलिजिबल मानो जाओगे, या माधो संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर से आपने कोई किया है परीक्षा तो वो आप एलिजिबल मानो जाओगे, या शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर से किया है तभी भी माने जाओगे, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा है तभी भी आप कंसिडर किए जाओगे। उसके बाद से बोला है अगर हाई स्कूल के साथ वो है वो सब चीजें हैं तो, या यहां पे फिर अथवा लगा दिया, या आपके पास प्रयाग, क्या है, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की बीटी डिप्लोमा है तभी भी कंसीडर किए जाओगे, या भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का एलटी डिप्लोमा है तभी आप कंसीडर किए जाओगे, और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के भारतीय संगीत डिप्लोमा उपयोग डिप्लोमा के संपन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पहले से पढ़ने वाले जून 1960 से पूर्व नियुक्ति अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जाएंगे, 60 से पहले वाले,
ठीक है, अगर आपके पास संगीत में डिप्लोमा या डिप्लोमे में संपन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपने कोई पढ़ाई की है 1960 से पहले, तो वो कंसीडर किए जाएंगे संगीत के टीचर के लिए, 60 के बाद वाले नहीं। और बीएड होना इसमें अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको स्नातक होना है, और स्नातक के साथ साथ इनमें से अगर आपने हाई स्कूल के साथ फला फला इसमें से कोई डिग्री लिया हो या ये लिया हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ डायरेक्ट आपने ये लिया हो या ये लिया हो या ये लिया हो, कोई भी चीजें हो इनमें से, तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना बीएड के, ठीक है, संगीत से। अब देखो सामाजिक विज्ञान, अब ये इसके भी काफी अच्छे खासे पोस्ट होते हैं और इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। जो आपका SST वाला है, मैक्सिमम बच्चे आपको SST के मिलेंगे और कंपटीशन ज्यादा होता है, तो इसकी कट ऑफ भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, चार सब्जेक्ट आपके होते हैं SST के मेन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इसमें से आपने अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें से दो सब्जेक्ट आपको चूज करना होते हैं, उन दोनों सब्जेक्ट से हाफ ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे मैंने बताया 125 क्वेश्चन में हाफ ऑफ क्वेश्चन होंगे, 62-63 के अप्रोक्स होंगे। ठीक है, और बीएड होना तो जरूरी है इसमें, तो इतिहास हुआ, राजनीति शास्त्र हुआ, भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, तो इसमें से आप कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हो। और टीम परीक्षा प्लस आपका इन सभी जितने भी आपके हैं, खासकर मैं बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट, अभी आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, SST हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और होम साइंस, इन सभी पर बैच लेकर आ रही है। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 5 तारीख से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन से बैच, कौन कौन से सब्जेक्ट किस टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि 5 तारीख को रात्रि 10 बजे का सेशन आप लोग जरूर देखिए, सभी को जोड़िए, जितने भी आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, सभी को बुलाइए कि 5 तारीख को परीक्षा प्लस टीम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। ठीक है, जीव विज्ञान वाले में देख लेते हैं कि जीव विज्ञान में क्या है। देखो जीव विज्ञान ये बायो वाला हो गया, तो बायोलॉजी से अगर आपने क्या किया है, आपने BSc किया है, मतलब किसके से, जीव विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो, जूलॉजी या बॉटनी, तो कि आपके पास इनमें से कोई जीव विज्ञान, जंतु, वनस्पति विज्ञान के साथ आपने BSc किया है, तो आप एलिजिबल हो अगर आपके पास BEd डिग्री है तो। ठीक है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ आपने अगर BSc का किया है और साथ ही साथ आपका BEd है, तो आप किससे भर सकते हो, जीव विज्ञान से TGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी रही कि किस विषय में क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं एलिजिबल हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है, कहाँ BEd जरूरी है, कहाँ BEd नहीं जरूरी है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद भी आपको अगर कोई समस्या लगती है, कोई दिक्कत है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो कि सर मुझे ये समस्या है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कोई एक्स्ट्रा आपके पास इन्फो डिग्री है, चाहे डिप्लोमा आपने किया और कंफ्यूजन की स्थिति बनी है इस वीडियो के बाद भी, तो आप अपने सवाल को वीडियो के कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कमेंट में, और आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत का तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ मेरे तरफ से क्वेश्चन है जो पिछली बार बच्चों के क्वेश्चन थे, जो मैं अभी आपके सॉल्व कर देना चाहता हूं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं अभी बीएड में, बीएड फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुका हूं। ठीक है, एग्जाम आपका फाइनल ईयर हो चुका है, लेकिन रिजल्ट आपका क्या है, पेंडिंग है, रिजल्ट आपका पेंडिंग है। ठीक है, सपोज करो 15 जून को नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, और इस नोटिफिकेशन से 20 से 25 दिन का वक्त आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो अगर उस इंटरवल में, मतलब फॉर्म के लास्ट डेट से पहले, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आता, आपका सब कुछ हो गया हो और रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हो भाई साहब, तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आपको DB में, डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपियरिंग वाले तो एकदम मत पूछना कि अभी मैं फोर्थ ईयर में हूं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हूं, ठीक है, सेकेंड ईयर में हूं या फोर्थ सेमेस्टर में हूं और एग्जाम उग्जाम नहीं हुआ है, तो भैया कहां इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है अपियरिंग वाले नहीं है एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। बीटीसी, डीएलएड, जो भी डिप्लोमा इन एजुकेशन है वो नहीं एलिजिबल है। बैचलर इन एजुकेशन मतलब बीएड के समकक्ष जो अर्हताएं रखते हैं, जैसे कुछ होता है आपका दिल्ली में अलग होता है बैचलर इन, ठीक है, तो वो आपके सभी एलिजिबल होंगे जो बैचलर इन एजुकेशन से रिलेटेड बीएड के समकक्ष अर्हता रखते होंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मैंने स्पेशल बीएड किया है, पहले एक साल का बीएड होता था कई यूनिवर्सिटियों के द्वारा, तो क्या वो एलिजिबल होंगे? हाँ जी, आप भी एलिजिबल हो, क्योंकि कहीं यहां पर ऐसा जिक्र नहीं था जो पिछला नोटिफिकेशन आया था कि स्पेशल बीएड वालों के लिए नहीं है, दिक्कत है, ठीक है। उसने सिर्फ बीएड रखा है, तो स्पेशल बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, दो साल वाले बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, और जो चार साल के प्रोग्राम में चल रहे होंगे वो भी एलिजिबल हैं। अभी तो रिसेंट में स्टार्ट हुआ है चार साल वाला, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा कि बीएड सभी, चाहे स्पेशल हो चाहे जनरल हो, सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। और रेगुलर या आप डिस्टेंस लर्निंग किए हो बीएड, तभी भी आप एलिजिबल हो। कहीं ये नहीं दिया है कि रेगुलर होना चाहिए या डिस्टेंस लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। आपको बीएड की डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो भाई साहब तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में मैं पीजीटी से रिलेटेड जो भी आपके एलिजिबिलिटी है, एज तो आपका ऑलमोस्ट वही है जो आपके, क्योंकि वहां पे बीएड जरूरी नहीं है, वहां पे मास्टर डिग्री जरूरी है, मगर बीएड इसलिए सही है क्योंकि बीएड वालों को या पीएचडी वालों को वहां पे नंबर मिलता है, वेटेज दिया जाता है, ठीक है, तो उसका भारांक वहां मिलता है, तो वो मैं सब कुछ डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिनमें कोई डाउट हो तो भैया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।